अन्नदाता की मेहनत, करदाता की ईमानदारी और मजबूत हाथों में नेतृत्व हो, जो सबका ख्याल रखते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहता हो, तो उस देश पर चाहे कितनी भी विपदा आए, वो सभी मुश्किलों से पार पाने में कामयाब हो ही जाता है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, भारत भी इस संकट से जूझ रहा है, लेकिन मोदी सरकार के सही और त्वरित फैसले ने लाखों लोगों की जिंदगी बचा दी है। अब मोदी सरकार कोरोना के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ने को तैयार है। मोदी सरकार एक तरफ 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में ही रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था में जुटी हुई है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों माँ बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही कोरोना संकट में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए मोदी सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। पहले जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को 3 महीने अप्रैल मई जून तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था मोदी सरकार ने की। अब जबकि वर्षा ऋतु आ रही है, लोगों के पास खेती के अलावा कुछ ज्यादा काम नहीं होता है और त्योहारों का भी आगमन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गरीबों के घर भोजन का संकट न हो, इसके लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करते हुए इस निशुल्क राशन वितरण की योजना को 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, यानी दिवाली छठ पर्व जो नवंबर में होता है तब तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं, साथ में हर परिवार को 1 किलो चना निशुल्क मिलेगा। इस पर मोदी सरकार 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है और इसमें अगर पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो 1.5 यानी 1.5 लाख करोड़ का खर्च सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था पर कर रही है। ये है मोदी सरकार की संवेदनशीलता, ऐसा है मोदी सरकार का अंत्योदय का सपना, जहां कोई भूखा ना सोए। और जब गरीब के घर में अनाज होता है तो कोरोना से लड़ने के साथ साथ दूसरा कार्य भी करने में उसका उत्साह दोगुना हो जाता है। हाँ, अभी देश में बाधाएं आई हैं, पर ये हमें आगे बढ़ने से डिगा नहीं सकती। हम कोरोना को भी हराएंगे और आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होंगे, क्योंकि आज हर भारतवासी आश्वस्त है कि देश का नेतृत्व सही हाथों में है। देश के अन्नदाता यानी हमारे किसानों से लेकर ईमानदार करदाता तक, सभी मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।